कल बात करते हुए कुछ लोग मुझे कह रहे थे, कुछ पत्रकारों ने यह सवाल बार बार पूछा कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है कि कमजोर हुई है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी विचारधारात्मक तौर पर मजबूत हुई है। उसके दो उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। पहला उदाहरण कि देश के प्रधानमंत्री को राजघाट पर जाकर के गांधी जी के समाधि पर फूल चढ़ाना पड़ रहा है। सबको पता है कि देश के मौजूदा प्रधानमंत्री गांधीवादी नहीं है, गोडसेवादी ही है। पूरे देश को पता है, दूरी पूरी दुनिया को पता है। भारत में गोडसे गोडसे, अब बाइडेन के सामने गांधी गांधी करना पड़ता है। तो बोलिए, कांग्रेस पार्टी विचारधारात्मक तौर पे मजबूत हुई है कि कमजोर हुई है? आप लोग बोलिए, मजबूत हुई है ना? ये जो मजबूती है, इसका दूसरा आधार यह है कि जिस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप तमाम लोग आए हैं, यह असाधारण कार्यक्रम है। इस बात को याद रखिएगा, यह असाधारण कार्यक्रम इसलिए है कि हम लोग अपने छात्र जीवन से ही एक नारा लगाया करते थे, कौन बनाया हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। इस देश को बनाने वाले लोग कौन हैं? आप जिस चीज का भी इस्तेमाल करते हैं, आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, सामने में कैमरा लगा हुआ है, ये डायस्क है, ये मंच है, ये पूरा परिसर है, जहां से आप आए हैं वो सड़क, जिस ट्रेन से आए होंगे वो ट्रेन, आपकी जीवन की हर जरूरत की चीज अगर कोई बनाता है तो वो इस देश का मजदूर बनाता है। और जब तक मजदूर मजबूर बना रहेगा, तब तक भारत मजबूत नहीं हो सकता है। अगर हम भारत को मजबूत बनाना चाहते हैं तो मजदूर मजबूरी का नाम नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं, जब भी कोई ये मुहावरा आपके सामने कहे, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो उसको तुरंत कहिए, रे भाई, मजबूरी का नाम गोडसे होगा, मजबूती का नाम महात्मा गांधी होता है। इस बात को याद रखना। और कुछ लोग आजकल गांधी जी को सिर्फ और सिर्फ स्वच्छता में समेट करके रख देना चाहते हैं। गांधी जी सिर्फ अपना संदास साफ नहीं करते थे, अपने मन को भी साफ करते थे, अपने विचारों को भी साफ करते थे। और मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं। आयोजक साथियों ने मुझे कहा कि मंच पे मजदूर लोग बैठे हुए हैं। एक प्रकरण मैं आपको याद दिलाता हूं। कुंभ मेले में देश के पंत प्रधान मजदूरों का पैर धो रहे थे। देखे थे कि नहीं वो वीडियो? बस हो गया, कैमरा, लाइट, एक्शन, कट, बात खत्म। क्या हुआ उसके बाद उन मजदूरों का? आज भी इस देश में मैनुअल स्केवेंजिंग होता है। हाथ से मजदूर गंदगी उठाते हैं। काहे भैया, हम मंगल पे पहुंचने वाले हैं, चंद्रमा पे पहुंच गए हैं, यहां बैठ करके अमेरिका में अपने बच्चों से व्हाट्सएप पे हाय हेलो हाय डार्लिंग हाउ आर यू कर सकते हैं। तो क्या इस देश में विज्ञान ने इतना विकास नहीं किया है कि मैनुअल स्केवेंजिंग को बंद कर दिया जाए? क्या तकनीक का इतना विकास नहीं हुआ है कि मैनुअल स्केवेंजिंग को समाप्त किया जाए? प्रधानमंत्री जी ने किताब लिखी है, पता नहीं लिखी है कि लिखवाई है। उस किताब में लिखा हुआ है कि कचरा उठाने से आध्यात्मिक सुख मिलता है। मोदी जी, बगल में ही घर है, आइए कल हम लोग गटर में उतरेंगे, आध्यात्मिक सुख लेंगे थोड़ा सा। आप ये क्या कहना चाहते हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि मजदूरों को सम्मान से अपना जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है, इसीलिए आप उसको जबरदस्ती ग्लोरीफाई कर रहे हैं। मजदूर इस देश के बुनियाद हैं, किसान इस देश के बुनियाद हैं, लेकिन खाली नारा लगाने से काम नहीं होगा। आज पंडित लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान
जय किसान। 9 महीने से किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं। एक तरफ देश के किसान लड़ रहे हैं और देश के बेईमान फोटो खिंचवा रहे हैं अमेरिका में जाकर के। ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में हम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि अगर हमारा दायित्व किसानों के प्रति है, अगर हमारा दायित्व मजदूरों के प्रति है, अगर हमारा दायित्व जवानों के प्रति है, तो हमको महात्मा गांधी के विचारों पर चलने की जरूरत है, हमको लाल बहादुर शास्त्री जी के विचारों पर चलने की जरूरत है। क्योंकि ये हमारी समझ है कि अगर मजदूर नहीं बचे, किसान नहीं बचे, देश के जवानों को रोजगार नहीं मिला, तो सुंदर भारत का निर्माण असंभव हो जाएगा, न्यायपूर्ण भारत का निर्माण असंभव हो जाएगा। और हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना में जो बात लिखी हुई है कि हम भारत के लोग भारत को समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाहते हैं, ये जो लोकतांत्रिक गणराज्य होगा उसकी बुनियाद आप लोग होंगे। और मैं असंगठित कामगार कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं कि आप उस सेक्टर से जुड़े हुए हैं जिस सेक्टर में सबसे ज्यादा बेईमानी चल रही है, जिस सेक्टर में सबसे ज्यादा मजदूरों का शोषण हो रहा है। और ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में हम तमाम लोगों को आपके न्याय हक और अधिकार के लिए, हमारे न्याय हक और अधिकार के लिए मिलकर के संघर्ष करना पड़ेगा। और आप ये समझ लीजिए कि कोरोना काल में जो मंजर हमको देखने को मिला उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि इस देश में मजदूरों को लेकर के कोई लेबर ऑडिट नहीं हो रहा है, कोई सर्वे नहीं होता है। बिहार की सरकार को यह पता नहीं है कि हर साल उनके राज्य से कितने मजदूर पलायन करके दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाते हैं। दिल्ली की सरकार को नहीं पता है कि अलग अलग राज्यों से कितने मजदूर उनके राज्यों में काम करने के लिए आए हैं। असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं सबसे ज्यादा अत्याचार उनके ऊपर होता है। और हम लोगों को यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि जिस तरीके की आर्थिक नीति आज सरकार ने अपनाई है, असंगठित क्षेत्र लगातार बढ़ता जा रहा है। तकनीक के चलते जो फैक्ट्रियों में बदलाव आया है, आप सब जानते हैं कि एक शिफ्ट में अब 5,000 मजदूर नहीं काम करते हैं। आप सब जानते हैं कि अब कोई भी जो प्रोडक्शन है वो पूरा का पूरा प्रोडक्शन एक जगह पे नहीं होता है। अगर हम जूते का उदाहरण लेंगे तो चमड़ा कहीं और से आ रहा है, धागा कहीं और से आ रहा है, रंग कहीं और से आ रहा है, असेंबल कहीं और होता है, पॉलिश कहीं और होता है, और ब्रांडिंग उसकी कहीं और पे की जाती है। इसीलिए लगातार असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का विस्तार हो रहा है। लेकिन लेबर कानून नहीं होने के चलते, उनके पास यूनियन बनाने का अधिकार नहीं होने के चलते लगातार उनके साथ शोषण किया जाता है। चाहे आप पीएफ की बात कर लीजिए, आप ईएसआई की बात कर लीजिए, आप उसमें ओवर टाइम की बात कर लीजिए। सरकार ने कानून बनाया है कि 8 घंटे के बाद कोई मजदूर अगर 1 मिनट काम करेगा तो उसको 2 मिनट का पैसा देना पड़ेगा। यह ओवर टाइम का कानून है। सरकार ने मिनिमम वेज का कानून बनाया है और आप सब जानते हैं कि मजदूरों को मिनिमम वेज नहीं मिलता है। कागज पे साइन करवा लेते हैं लेकिन मिनिमम वेज नहीं देते।